और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी उस तरह ईमान ले आओ जिस तरह अन्य लोग ईमान लाए हैं, तो वे कहते हैं क्या हम उस तरह ईमान लाए जिस तरह बेवकूफ लोग ईमान लाए हैं। जान लो यही लोग बेवकूफ है, मगर वे नहीं जानते। और जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब अपने शैतानों के बैठक में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो उनसे यानी ईमान वालों से महज हंसी करते हैं। अल्लाह उनसे हंसी कर रहा है और उन्हें उनकी सरकशी में ढील दे रहा है। वे भटकते फिर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, तो उनकी तिजारत फायदेमंद ना हुई और वे ना हुए राह पाने वाले। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग जलाई। जब आग ने उसके इर्द गिर्द को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनकी आँख की रोशनी छीन ली और उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे। अब वे लौटने वाले नहीं हैं। या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बारिश हो रही हो, उसमें अंधकार भी हो और गरज चमक भी। वे कड़क से डर कर मौत से बचने के लिए अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूस रहे हो, हालांकि अल्लाह इनकार करने वालों को अपने घेरे में लिए हुए हैं। करीब है कि बिजली उनकी निगाहों को उचक ले। जब भी उन पर बिजली चमकती है उसमें वे चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो वे रुक जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहे तो उनके कान और उनकी आंखों को छीन ले। अल्लाह यकीनन हर चीज पर कादिर है।